नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। कोल्डर के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे टूल्स के बारे में। ठीक है, तो पहला टूल्स हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ से मैं न्यू पर क्लिक किया और यहाँ पर कस्टम का जगह पर मैंने रख लिया। पी साइज मैंने ले लेते हैं A4 साइज, सिर्फ A4। चलिए लेटर साइज ले लेते हैं। ओके पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले इसको सीखेंगे। इसमें तीन टूल्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए पिक टूल, फ्री हैंड पिक और फ्री फ्रॉम, तीनों टूल्स को हम लोग आज सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ करने के बाद इसको हाइट वेट हम लोग बोल्ड वगैरह यहाँ से कर लिए। ठीक है, बोल्ड कर लिए, इससे हमको समझने में अच्छा होगा। और मैं शिफ्ट के साथ इसको एक समान छोटा बड़ा कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, और एल्ड के साथ इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये पर ध्यान आपको देना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। इसका मैंने क्या किया, एक और इसको मैं कॉपी करने चाहता हूँ। चार को मैंने कॉपी किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ये क्या करता है, इसका नाम जो पिक टूल, इस सिलेक्शन करता है, कोई चीज सिलेक्ट करके ही काम होता है। ठीक है, ये तो आप मैंने हमेशा आपको बताया है, ये सिलेक्शन करके कोई काम होता है। ठीक है, कोई भी काम करेंगे तो सिलेक्ट करके ही काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर देखिए फ्री हैंड पिक, ये क्या करता है, तो मैं यहाँ से इस, अब मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको माने कि ये क्या करता है, हम लोग कोई चीज़ को सिलेक्शन करना होगा तो एक मिनट। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और पिक टूल को लिया। हम सबको सिलेक्शन करना होगा तो सब कैसे करेंगे, अगर हम इसको करना होगा हमको तो ये नहीं हो पाएगा, इस सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके फ्री हैंड पिक को लेंगे। ये देखिए क्या कैसे करता है सिलेक्शन। यहाँ से आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से ऐसे घेरा लगाएं, एक मिनट, यहाँ बाहर से ऐसे घेरा लगाएं और इसको देखिएगा, इसको यहाँ से इस तरह से, अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए इस तरह से इसको बाहर निकाल दिए। तो फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इस तरह से आप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है टूल्स को सीखने के लिए, क्लिक करेंगे इस पर और फ्री फ्रॉम लेंगे। और ये क्या करता है दोस्तों, मैं सिंगल पर आपको मैं बता रहा हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, कोई सिंगल मुझे चाहिए, ये सब क्लिक हो गया है, अलग अलग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक किए नोड के पास, इसको लिए, देखिएगा बीच में से पकड़ के इधर कर रहे हैं, बीच में पकड़ के इधर हो रहा है, इधर में बीच में से पकड़ कर इधर कर रहे, इधर हो रहा है, और बीच में पकड़ के हम करेंगे ऊपर करेंगे तो देखिए ऊपर हो रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जैसे करना है इस तरह से, बीच में पकड़ के ऐसे कीजिएगा तो ऐसे होगा, जैसे माउस को ऐसे कीजिएगा ऐसे हो जाएगा, ऊपर माउस को कीजिएगा तो ऊपर इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से इसको उपयोग कर सकते हैं। और रेक्टेंगल में, और यहाँ पर नोड के पास मैंने क्लिक किया, थ्री पॉइंट रेक्टेंगल, ये क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस कर लिए और यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे, छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, मैं इसको करता हूँ डिलीट, तब आपको समझ में आएगा। ये लेता हूँ पिक टूल को आगे। ठीक है, पिक टूल को लिया और इसमें से एक और ऑप्शन जो था उसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एक बार इसे क्लिक किए, ऐसे क्लिक करके इसे खींच रहे हैं, शिफ्ट प्रेस करके खींच रहे हैं, और उसके बाद इस तरह से इसे छोड़े, देखिए इस तरह से छोड़ रहे हैं, इस तरह से किए, इस तरह से ड्रैग होगा। एक बार इसे क्लिक करके यहाँ पर इसे एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ से ऐसे कीजिए, सिर्फ पकड़ लीजिएगा तो एकदम एक्सट्रैक्ट होगा।
और नीचे में से खींचेंगे जितना लेना चाहते हैं। सिर पकड़ लीजिएगा तो एक समान होगा, इससे सब डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग तीनों टूल का आज हम लोग सीख लिए कि तीनों टूल का क्या महत्व है, ठीक है ना। फ्री फ्रॉम सेलेक्ट को, फ्री हैंड पिक को और फ्री फ्रॉम सेलेक्ट को भी, तीनों को हम लोग सीख लिए। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं फिर से आपको बता देता हूँ तीनों टूल्स को, अगर कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो चलिए देख लीजिए, मैं इसको रखा और यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं इसका कॉपी निकाल रहा हूँ, कंट्रोल डी, ठीक है। मैं फिर से इस तीनों टूल्स को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए, पहला जो टूल्स है पिक टूल है, इससे रसम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो टूल्स है, इसे मैं क्लिक करूँगा, ये फ्री हैंड टूल। अब हमको इसको सिलेक्शन करना होगा, तो यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ से घुमा के इसको इस तरह से ले लेंगे, लेके इसको हटाएंगे तो देखिए अलग होगा, ठीक है, समझ गएंगे। और लास्ट वाला जो टूल का क्या काम था, इस फ्री हैंड टूल का, कि किसी पर क्लिक करके बीच में रखेंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, इस तरह से। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।